Hello everyone, I am Amit Kumari, welcome you all on my channel Commerce Hurricanes. Today we are going to start a new chapter that's name is Features, Problems and Policies of Agriculture. In this chapter we have many topics, but today we are going to discuss about importance of agriculture. So agriculture India mein important kyun hai, yehi hum discuss karenge aaj. First point is contribution to GDP. GDP means gross domestic product. हमारी कंट्री में सिर्फ इंडस्ट्रीज़ ही नहीं हैं जो जीडीपी में पार्टिसिपेशन करती हैं, इवन ह्यूमन बीइंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन इट, राइट? सो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को इंक्रीज़ करने में. एज़ यू कैन सी इन 1951 इट वॉज 51% इन जीडीपी. But nowadays in 2018 and 19, it was only 14.4%. It doesn't mean that agriculture is not important. अगर GDP में agriculture का जो contribution है वो reduce हुआ है, तो उसका reason ये है कि लोग जो हैं वो secondary और tertiary sector की तरफ move करने लगे हैं, वो rural area से निकल कर urban places पर जाकर job करने लगे हैं, इसीलिए हमारा agriculture sector थोड़ा backward रह गया है और contribution कम हो गया है. But फिर भी हम कहेंगे कि agriculture हमारे लिए बहुत important है क्योंकि even today it is contributing in it. Point number two is supply of wage goods. Wage means important and essential products जो आपकी livelihood के लिए बहुत important होते हैं, like your wheat, rice, maize, oil, etc. ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती हैं? अगर आपको oil बनाना है तो आपको seeds कहाँ से मिलेंगे? आपको seed मिलेंगे एग्रीकल्चर से. अगर आपको चपाती खानी है कहाँ से मिलेगी? वीट से. एंड वीट कहाँ से आएगी? एग्रीकल्चर से. तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में या इवन इंडिया कहीं पर भी अगर किसी पर्सन को इम्पॉर्टेंट आइटम्स की ज़रूरत है तो वो एग्रीकल्चर से मिलती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर लिवलीहुड. यू कैन सी दैट टूडे 121 crore पीपल आर गेटिंग दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर. पॉइंट नंबर थर्ड इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. देखिए एग्रीकल्चर जो है वो एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सोर्स है क्योंकि आज की डेट में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं. वो अपने फील्ड पे जाते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं और उसको खुद भी कंज्यूम करते हैं और उसको मार्केट में बेचकर पैसा भी कमाते हैं. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, आप देखिए इवन टुडे 50% ऑफ पॉपुलेशन इज़ एंगेजिंग इन एग्रीकल्चर. तो ये जो 50% लोग जो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं उनको एम्प्लॉयमेंट किसने दिया? एग्रीकल्चर ने. अगर आप एग्रीकल्चर नहीं रखेंगे, अगर आप फील्ड्स नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे, तो आपके पास इनकम कहाँ से आएगी? आप तो बेरोजगार हो जाएंगे ना. तो इसीलिए हम कहेंगे कि एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट आता है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. देखिए कुछ भी आपको बनाना है उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए. लाइक आपको क्लोथ बनाना है तो वो कॉटन से मिलेगा. ठीक है, अगर आपको फूड आइटम बनानी है, किसी भी तरह की फूड आइटम बनानी है, तो उसके लिए आपको आइटम्स चाहिए होंगी. जैसे कि अगर आपने ऑयल बनाना है देन यू नीड अ सीड. इफ़ यू वॉन्ट टू मेक टेक्सटाइल देन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री यू नीड कॉटन. तो ये सारे जो सोर्सेज हैं ना, ये जो सारी चीज़ें हैं, इन्हें हम बोलते हैं रॉ मटेरियल. जिन चीज़ों से कोई और प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल. और ये सभी रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, सीड, वीट एक्सेट्रा, ये सभी रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहे हैं? ये सभी रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहे हैं. फील्ड पर इनको उगाया जाता है, तभी तो आगे सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर में इसको यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये रॉ मटेरियल को सप्लाई करने का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है. नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स. जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उनका काम क्या होता है? इंडस्ट्रियल गुड्स का काम होता है हैवी इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट बनाना या कैपिटल गुड्स बनाना, हैवी मशीन्स बनाना. अब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये इस तरह की मशीन्स की डिमांड करता है. अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? येस इट इज़ पॉसिबल. आपको एग्रीकल्चर में क्या कुछ चाहिए? आपको ट्रैक्टर चाहिए होता है, आपको कंपाइलर चाहिए होता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? इंडस्ट्रीज से तो आती हैं. तो इसका मतलब ये इंडस्ट्रीज़ को क्या प्रोवाइड कर रहा है? डिमांड, कि आप बनाइए. डिमांड कर रहा है कि आप बनाइए और हम आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे. तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब कि जो कंट्री आप जिस कंट्री में प्रोडक्शन कर रहे हो उस कंट्री का सामान जब आप किसी और कंट्री में बेच देते हो उसे हम बोलते हैं ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड. तो इंटरनेशनल ट्रेड में टू थिंग्स आती हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट मीन्स वेन यू आर गिविंग समथिंग टू अनदर कंट्री, एंड इंपोर्ट मीन्स वेन यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम
अनदर कंट्री। इंडिया में जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ से होते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर से, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर उगाए जाते हैं और वो दूसरी कंट्रीज में भेजे जाते हैं, लाइक टी, कॉफ़ी, रबर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाती हैं। जब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, हम जब अपना सामान बाहर बेचेंगे तो वहाँ से हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी, और फिर उस फॉरेन करेंसी से हम दूसरी कंट्रीज से सामान खरीद कर अपने पास ला सकते हैं, जैसे कि डिफेंस प्रोडक्ट्स, ठीक है। डिफेंस के लिए हमें आर्मी के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, उनके लिए हमें फॉरेन करेंसी की नीड होती है, तो वो हमें एक्सपोर्ट की मनी से मिलती हैं। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ही नहीं होगा तो आप इन चीज़ों को एक्सपोर्ट कैसे कर पाओगे, और अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए भी हमारा एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सपोर्ट टू ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। देखिए ट्रांसपोर्टेशन में क्या आता है, आप सबको पता है, रेल, रोडवेज, एयरवेज, बट एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादातर किसके लिए बेनिफिशियल है, रेलवेज एंड रोडवेज। कैसे, जो आपकी रेलगाड़ी जैसे मालगाड़ी कहते हैं, मालगाड़ी में आपने देखा होगा ज़्यादातर फूड आइटम्स जाती हैं, ठीक है। आपने ट्रक देखे हैं लदे हुए जाते हैं भर भर के सामान, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट, गन्ने वगैरह, शुगर कैन देखा होगा आपने लेकर जाते हैं कितने सारे। तो ये सारे किसकी वजह से हो रही है, अगर एग्रीकल्चर ही नहीं होगी, शुगर कैन नहीं होगा, शुगर कैन नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। मीन्स इसने बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रखी है एंड इनकम जनरेशन भी कर रखी है, किनकी, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री की, ठीक है। एंड लास्ट इज वेल्थ ऑफ नेशन। देखिए हमारी कंट्री के लिए हमारी वेल्थ क्या है, हर कंट्री में कुछ खास होता है, इसी तरह हमारी कंट्री में खास क्या है कि हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है, और इंडिया में बहुत सॉरी वर्ल्ड में ऐसी बहुत कम कंट्रीज हैं जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी धरोहर है, ये हमारी वेल्थ है, तो इसे बचा कर रखना और इसे इम्प्रूव करते रहना हमारा फ़र्ज बनता है ना। तो इसीलिए हम कहेंगे कि एग्रीकल्चर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ द वेल्थ ऑफ नेशन, और ये सभी पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, और अगर इस वीडियो में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।